दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और उनके फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 के शूरवीर हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे T20 मैच में मचाया ऐसा हाहाकार। 6 गेंद में 6 छक्के ठोक छोड़ा। युवराज से लेकर पोलार्ड को भी पीछे शतक जड़कर रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हार्दिक पांड्या बन गए साउथ अफ्रीका के लिए दूसरे T20 मैच में यमराज? कितनी गेंद में हार्दिक पांड्या ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलटकर रख दिया? कैसे हार्दिक पांड्या बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजियों की दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के लिए भी हार्दिक पांड्या सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, 4 मैचों की T20 सीरीज के रोमांचक दूसरे T20 मुकाबले में सेंट गॉर्गी में इंडिया और साउथ अफ्रीका चिर प्रतिद्वंदी टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के जज्बे पर हार्दिक पांड्या का जिगरा दूसरे T20 मैच में उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज हार्दिक पांड्या तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए केशव महाराज की लगातार 6 गेंद पर 5 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में हार्दिक पांड्या ने एक नई जान फूंक दी थी, इसीलिए भारतीय खेमे ने जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस T20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 20 ओवर में 20 गेंदों में अपना एक और बेमिसाल T20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल हार्दिक पांड्या ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो हार्दिक पांड्या को अपने चाल में फंसा लेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब हार्दिक पांड्या का बल्ला गरजा तो उनके सामने साउथ अफ्रीका थर थर कांप उठी, पर हार्दिक पांड्या टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक पांड्या अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका साउथ अफ्रीका के पास आया। मार्करम की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में ऐसी थी, लगा था कि फील्डर उस कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। हार्दिक पांड्या का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्को जॉनसन के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 5 गेंद पर 5 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने एडन मार्करम के ओवर में आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का हार्दिक पांड्या ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ उभरते हुए सितारों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 40 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 12 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की तरफ से पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि हार्दिक पांड्या ने तो अफ्रीका के दूसरे T20 मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।